इंडियन कॉफी और सऊदी अरेबिया के मक्का का क्या कनेक्शन है? इंडिया दुनिया की 6th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉफी है और हमारी कल्टीवेट की हुई 70% कॉफी दुनिया भर में एक्सपोर्ट होती है। दरअसल इंडिया में कॉफी 17th सेंचुरी में आई, जब बाबा बदून नाम के एक इंडियन पिलग्रिम मक्का गए। मक्का से लौटते हुए यमन से उन्होंने 7 कॉफी के बीन्स अपनी जेब में डाल दिए। उस जमाने में अरेबिया के बाहर कॉफी ले जाना मना था, लेकिन बाबा बदून ने ऐसा किया भी और कर्नाटका के एक हिल पर उन कॉफी बीन्स को प्लांट भी कर दिया। अब 17th सेंचुरी में जब डच आए तो उन्होंने इस कॉफी कल्टीवेशन को पूरे इंडिया भर में मशहूर किया, और जब ब्रिटिशर्स आए तो उन्होंने कॉफी के कल्टीवेशन को कमर्शियलाइज कर दिया। 1907 में इंडियन कॉफी बोर्ड एस्टैब्लिश किया गया इंडियन कॉफी की क्वालिटी कंट्रोल करने के लिए, लेकिन इट वॉज ओनली आफ्टर इंडिपेंडेंस इन 1995 की इंडिया के कॉफी ग्रोवर्स को उनका प्रोड्यूस बेच कर उसका लाभ उठाने का मौका मिला। आज की तारीख में इंडिया में 2,50,000 से भी ज्यादा कॉफी ग्रोवर्स हैं, जो सिग्निफिकेंटली इंडियन जीडीपी में कंट्रीब्यूट करते हैं। इस इंटरनेशनल कॉफी डे अपने दोस्तों से इस वीडियो को शेयर करें और उन्हें बताएं इंडियन कॉफी की सिग्निफिकेंस। एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो द सीएसआर जर्नल फॉर मोर सच स्टोरीज।